आपके बुक्स अगर आप चूज कर रहे हैं तो क्या चूज करें? सिलेबस वगैरह मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार वो वीडियोस देख लीजिएगा अगर अभी तक ना देखी हो, फॉर्म ना फिल किया हो तो फॉर्म भी फिल कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, है ना, प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें। इससे भी पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है जो है सिलेबस। सीटेट की वेबसाइट से, अपने टेलीग्राम चैनल से मैंने शेयर किया हुआ है सीटेट का सिलेबस, एक बार डाउनलोड करके उसको पढ़िए ताकि आपको पता लगे कि चीज़ें आती क्या हैं, कैसे आती हैं। ठीक, मैंने भी डिस्कस किया हुआ है सिलेबस। प्रैक्टिस सेट्स प्लस PYQ की अगर हम बात करें तो एक प्रैक्टिस पेपर आपको लेना चाहिए, अलग से प्रैक्टिस पेपर की जरूरत नहीं है। पुराने ईयर के जो पेपर्स हैं वो आपके लिए प्रैक्टिस का काम करेंगे, क्योंकि सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं और अभी भी होंगे। उसका रीज़न है कि सिलेबस सेम है, है ना। तो पिछले 5 साल के पेपर आप कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, ज़रूरी नहीं आप पूरे 10 साल के करें, 10 साल के करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 10 साल के करने की बजाय आप 5 साल के जो लास्ट 5 ईयर्स के पेपर हैं, 5 ईयर्स के जो पेपर हैं पिछले 4 से 5 साल के, अगर आप एक पेपर दे रहे हैं तब भी आप दोनों पेपर सॉल्व कीजिए, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, क्योंकि 3 सब्जेक्ट का सिलेबस सेम है और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो इनको आप सॉल्व कीजिए जो प्रीवियस ईयर 5 साल के हैं, पेपर 1 के भी पेपर 2 के भी, बेशक आप एक ही एग्जाम दे रहे हो दोनों में से, फिर भी दोनों के कीजिए, क्योंकि 3 सब्जेक्ट का सिलेबस हिंदी इंग्लिश और CDP सेम है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस का काम करेंगे। हो सकता है आपने एक 5 साल का जो आपका पेपर है, मान लो पेपर 1 देने जा रहे हो, 5 साल के पेपर उसके सॉल्व कर लिए, अब जो बाकी बचे हुए 5 साल के पेपर हैं पेपर 2 के सॉल्व कर लो प्रैक्टिस के रूप में, वो आपने प्रीवियस ईयर के रूप में कर लिए, इनको प्रैक्टिस के रूप में कर लो। तो सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि प्रैक्टिस सेट आप नहीं लोगे तो भी आराम से चलेगा, मॉक टेस्ट जो सीटेट की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं उनको प्रैक्टिस के तौर पे अपनाइए, और प्रीवियस ईयर को अलग से प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन कई बार बना दिए जाते हैं और उनका कोई पॉइंट नहीं होता, वो इवन सिलेबस बेस्ड भी नहीं होते, तो जरूरी नहीं है कि आप एक प्रैक्टिस सेट लेंगे। ठीक, ये एक बेसिक सी बात है। तो प्रीवियस ईयर ही आपका प्रैक्टिस सेट का काम कर जाएगा। अगर आप फिर भी प्रीवियस ईयर के लिए किताब लेना चाहते हैं तो एक ये किरण पब्लिकेशन की है, मेरी भी इनके अंडर एक बुक आती है। अगर हम बात करें तो 2011 से 21 तक सॉल्व पेपर्स हैं इसमें विद एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, अब तक शायद हो भी गई होगी। मैं कोशिश करूंगी जितनी भी बुक्स के बारे में बात हो रही है लिंक में शेयर कर दूं, जो कि मैं हमेशा भूलती हूं, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगी शेयर कर दूं सारे लिंक्स, अगर अमेजोन से ही अगर आपको लेना है तो। इसके अलावा फ्लिपकार्ट की नहीं करूंगी, अमेजोन की कर दूंगी, और नहीं तो आप आसपास जो भी बुक्स अवेलेबल हो, मैं आपको मल्टीपल बुक्स बताती हुई चलूंगी, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही किताब लेनी है। अगर आपके पास, मैं एक दो ऑप्शन हर चीज़ में रखूंगी, अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उन दोनों में से कोई भी ले लीजिए, ज़्यादा अंतर नहीं होता, किताब आप कोई भी लीजिए, बट पढ़िए अच्छे से कम 10 किताबें एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब आप 10 बार पढ़ लें। तो ये किरण पब्लिकेशन का एक प्रीवियस ईयर है जिसमें 2011 से 21 तक आई थिंक कुछ 150-200 का आता होगा, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। ठीक, 1st to 5th का भी है और ये 6th to 8th का भी है। इसके अलावा दूसरी चॉइस प्रीवियस ईयर के लिए रहेगी आर गुप्ता की, है ना, ये तो मैं कब से आपको डिस्कस करती हुई आ रही हूँ, जब ये नहीं भी आता था किरण तब से भी, तो आर गुप्ता भी आप ले सकते हैं बिल्कुल, ये तो इवन मेरे पास भी रखे हुए हैं आर गुप्ता के जो प्रीवियस ईयर हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के, है ना, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है ये वीडियो, ठीक है, ये मैं कब से बात कर रही हूँ, 2016 से बातें कर रही हूँ। ठीक, ये आप ले सकते हो, इसमें एक्सप्लेनेशन भी है और पुराने पेपर भी हैं, 5 प्रैक्टिस सेट भी हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक किताब ये यानी एक प्रीवियस ईयर की, दूसरी होती है CDP की बुक, क्योंकि CDP जो है वो बिल्कुल कह सकते हैं बेस है इस एग्जाम में, तो CDP की आप बुक ले लीजिए, क्योंकि बुक में क्या होता है आपका टाइम कम लगता है। अगर आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं तो बुक से रिवीजन करना या अपने नोट्स से रिवीजन करना ईजी होता है, बजाय कि आप पूरी वीडियो देखें दोबारा। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP या बाल विकास की अगर हम बात करते हैं, बाल विकास 30 नंबर का है और ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको हेल्प करता है, तो इसके लिए आप बुक की अगर बात करते हैं या तो आप मेरी बुक ले सकते हैं, है ना, हालांकि अपडेट होने की इसको जरूरत है, 2019 में आई थी बट सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, तो आप आराम से धड़ल्ले से ले सकते हैं और 30 नंबर आ भी जाएंगे आपके। ठीक, तो ये बहुत छोटी सी किताब लिखी है, मतलब मैंने उस टाइम पर बहुत कंसाइज में लिखी थी कि बहुत सारी लंबी लंबी किताबें अवेलेबल हैं, बट इंसान जब काम की चीज़ें पढ़ता है पेपर में, तो कुछ लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ काम की चीज़ें पढ़नी है, तो काम की चीज़ें पढ़नी है तो ये आपको नोट्स के फॉर्म में हेल्प करेगी। ठीक, इसके साथ प्रीवियस ईयर भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के इसमें इंक्लूडेड है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के। ठीक है, बात तो ये बात CDP की, आप मेरी भी बुक ले सकते हैं, ये CTET एंड STET चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी विद हिमांशी सिंह या हिमांशी सिंह के नाम से, ये अमेजोन पे या किसी भी दुकान पे आपको बाहर शॉप पे जो भी बुक शॉप होती हैं वहाँ मिल जाएगी। ठीक, इसके अलावा दूसरी चॉइस, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ अभी ये इंग्लिश में ही अवेलेबल है तो ये हिंदी मीडियम में आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ये जो मेरी बुक है ये, ठीक, अमेजोन पे मिल जाएगी, लिंक भी मैं दे दूंगी और किसी आसपास आप शॉप पे भी पता कर सकते हैं, कुछ 200-250 में भी मिल जाती है आजकल, पहले थोड़ी सी महंगी थी, है ना, क्योंकि काफ़ी जो है ये आप लोगों ने पसंद भी किया। इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन की एक CDP की बुक आती है, ये भी मुझे ठीक लगती है, आप बिल्कुल ले सकते हो। ठीक,
पेपर वन पेपर टू सीडीपी इसमें भी प्रीवियस ईयर वगैरह भी गिवन है। इसके अलावा हिंदी मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो दिशा पब्लिकेशन की भी हिंदी मीडियम आती है, या फिर ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की एक हिंदी मीडियम वाली बुक है, ये भी आप ले सकते हो आसानी से। इसके अलावा एक पियर्सन पब्लिकेशन की आती है यही सेम, अगर किसी का डिटेल में पढ़ने का मन है तो ये पियर्सन वाली ले सकते हो सीडीपी, कोई दिक्कत नहीं है सच। ठीक, तो ये हुई बात, कई सारे ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए, मेरी बुक ले लीजिए सीडीपी में, या फिर अग्रवाल एग्जाम कार्ड हिंदी में ले लीजिए, दिशा पब्लिकेशन ले लीजिए, या फिर मैं बात करूँ पियर्सन पब्लिकेशन ले लीजिए, कोई भी पढ़ोगे हो जाएगा, बट पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ोगे, किसी को डिटेल पसंद है तो पियर्सन ले लो, किसी को थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना है तो दिशा ले लो, और शॉर्ट में पढ़ना है तो मैंने जो लिखा हुआ है वो टू द पॉइंट है बात। ठीक, हिंदी में पढ़ना है तो ये ले सकते हो, या दिशा पब्लिकेशन की भी हिंदी में आती है। तो ये चार पांच ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। फिर एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस की बात कर लेते हैं। अगर बात ईवीएस की कर रहे हैं, जो कि अपने आप में 30 मार्क्स का है ना, जिसमें से 15 से 20 नंबर की तो आपकी थर्ड टू फिफ्थ की एनसीईआरटी आ जाती है। तो थर्ड टू फिफ्थ की एनसीईआरटी के मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं जो टेलीग्राम पे शेयर्ड हैं, 50 पेज के नोट्स हैं सिर्फ, वो अच्छे से पढ़ लो। थर्ड टू फिफ्थ किसकी? ईवीएस की, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में ईवीएस आता ही नहीं है, मतलब होता नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो। थर्ड क्लास से फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज आपको पढ़ लेनी है, नहीं भी पढ़ी जा रही है तो सिर्फ नोट्स पढ़ लो। यहाँ पे मैंने लेट्स लर्न पे शेयर किए हुए हैं, वहाँ टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, है ना, वो पढ़ लो। या फिर मैंने वीडियोस की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हालांकि सीडीपी की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो आप सारी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है। बट अभी इस वीडियो में हम बात बुक्स की कर रहे हैं, क्योंकि बुक्स को लेकर आपको कन्फ्यूजन रहती है। नहीं तो सबसे बेहतर तो ये है, किसी को कुछ नहीं करना, अगर मन है सिर्फ प्लेलिस्ट उठाओ, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर के प्रिंट आउट ले लो, या फिर एक प्रीवियस ईयर की किताब खरीद लो। सबसे बेहतर तो वो है कि आप एक प्रीवियस ईयर खरीद लिया और दूसरा एक सीडीपी की कोई बुक ले ली, इनफ। अब आपको सिर्फ प्लेलिस्ट देखनी है, नोट्स बनाने हैं, या फिर कोर्स लिया तो कोर्स के नोट्स बनाने हैं। थर्ड टू फिफ्थ एनसीईआरटी ईवीएस पढ़ेंगे आप, नहीं पढ़ रहे हैं तो वो जो 50 पेज के नोट्स मैंने दिए हुए हैं वो देख लीजिए, नहीं तो वीडियोस देख लीजिए मैंने की हुई हैं डिस्कस, या जल्दी मैं दोबारा से ये शुरू करने वाली हूँ, कल से शायद क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी सीटेट को लेके। ठीक, तो ईवीएस में आप ये एनसीईआरटी अगर ढंग से पढ़ लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, एनसीईआरटी फ्री मिल जाती है ये, अगर आप बात करें ऑनलाइन गूगल पे, नहीं तो आसपास भी ये सस्ती मिलती है, 50-60 रुपए की एनसीईआरटी की किताब आपको आराम से मिल जाती है। ठीक, किसी भी बुक सेलर से आप आसपास जाकर के ले सकते हैं। थर्ड टू फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी, इसी की समरी से क्वेश्चंस बनते हैं। ईवीएस में फिर भी आपका मन करेगा कुछ अलग से पढ़ना है तो ये एक विले, नहीं विले नहीं है, मैकग्रॉ हिल है, मैकग्रॉ हिल की बुक मुझे ठीक लगी, और ये इन्होंने बहुत पहले भेजा था, आई थिंक 2 साल पहले, या तो मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं डिस्कस कर देती हूँ। तो आप मैकग्रॉ हिल ले सकते हैं, मुझे लग रहा है पता नहीं ये वाली तो इधर उधर हो गई है कहीं, ईवीएस वाली, बट मैकग्रॉ हिल की आती है वो, ठीक है, उसमें पेडागॉजी प्लस जो भी आपका समरी है वो दी हुई है। और इसके अलावा मैकग्रॉ हिल ले सकते हो ईवीएस के लिए, अगर एक्स्ट्रा किताब लेनी है, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ो और सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाओ, इनफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, मैथ्स और कंटेंट को लेकर बड़े परेशान रहते हैं कई लोग, तो कंटेंट की अगर बुक ही पढ़नी है तो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो ये भी थर्ड टू फिफ्थ प्लस प्रीवियस ईयर लगा लो। पेडागॉजी के लिए मैंने कुछ सेशंस बनाए हुए हैं, कुछ वेबसाइट मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी एक दो दिन में, जो अनुराग सिंह थे लास्ट टाइम, उन्होंने 143 स्कोर किया था 150 में से, तो उन्होंने कुछ वेबसाइट शेयर की थी हमारे साथ पेडागॉजी के लिए मैथ्स की, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप उनका इंटरव्यू देख सकते हैं, मैंने उनका इंटरव्यू मतलब एक डिस्कशन किया था हम लोगों ने साथ में बैठ करके, वहाँ से एक टैप इन टू टीन माइंड्स करके एक वेबसाइट है जहाँ पे पेडागॉजी मिलती है, एनसीएफ में जो पोजीशन पेपर है वो भी पढ़ सकते हैं आप पेडागॉजी के लिए। ठीक है बात, तो अगर इसके लिए फिर भी एक बुक लेने का मन करे तो ये मैकग्रॉ हिल ले सकते हो मैथ्स पेडागॉजी के लिए, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, और मतलब ये कायदे में मुझे बिल्कुल टू द पॉइंट लगी, तो एज पर सिलेबस लगी, या फिर इसमें आपका कंटेंट भी हो जाएगा और आपकी पेडागॉजी भी हो जाएगी प्लस प्रीवियस ईयर भी, तो ये आप, ये तो बेसिकली इनका तो पूरा सेट ही आता है मेरे पास, मतलब रखा हुआ है तो मुझे याद है, तो आप ले सकते हैं किताबें, मतलब टू द पॉइंट है। पियर्सन थोड़ी डिटेल्ड हो जाती है, मैकग्रॉ हिल मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी अगर मुझसे पूछोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने खींचा नहीं है, टू द पॉइंट रखा है, सिलेबस के हिसाब से रखा है। नहीं तो आप एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर कर लीजिए अगर बुक लेने का मूड नहीं है तो। ठीक, पियर्सन की भी ले सकते हो, वही अगेन थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाएगा और प्रीवियस ईयर कम मिलेंगे। हिंदी पेडागॉजी की बात कर लेते हैं, 30 मार्क्स में पेपर वन पेपर टू दोनों में आती है हिंदी पेडागॉजी, ये पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए मिल जाएगी मैकग्रॉ हिल भी और ये भी पियर्सन भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हिंदी पेडागॉजी की बात कर लेते हैं, हिंदी पेडागॉजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र, अब इसमें सबसे बड़े जो नंबर कटते हैं वो आपके कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश पद्यांश में कटते हैं, तो उन गद्यांश पद्यांश के लिए आप प्रीवियस ईयर का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर लेना आपका ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर का इस्तेमाल करें, चाहे वो आपने आर गुप्ता लिया हो, किरण लिया हो, कोई भी लिया हो, उन्हीं को प्रैक्टिस करें। गद्यांश पद्यांश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो पैसेज है
क्योंकि 15 नंबर हिंदी में कटेंगे और 15 कटेंगे इंग्लिश में, अगर आपने ठीक से पैसेज की प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप सोचेंगे कि डायरेक्ट वहीं जाके पैसेज देंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, फिर आपकी गलतियां ज्यादा होंगी। क्योंकि अगर आपने एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर के पैसेज सॉल्व करे होंगे ना सीटेट के, आपको पता लग जाएगा सीटेट किस भाषा में पैसेज देता है। आपको कोई नए पैसेज नहीं करने कहीं और से, पैसेज वैसे भी कभी रिपीट नहीं होते, ठीक। तो उस बात से बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर लगाओ पैसेज में, क्योंकि उसका जो पैटर्न है, जो भाषा है एग्जाम की, वो वैसी ही रहेगी। पैसेज चेंज होने के बाद भी वो आपको लैंग्वेज समझ आएगी उसकी, कि वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे, ठीक है। तो पैसेज क्या, तो सॉल्यूशन यही है कि आप प्रीवियस ईयर से पैसेज लगाओ। इसके अलावा रही बात पेडागॉजी की, तो मैंने कुछ 10-15 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है हिंदी पेडागॉजी की, वो देख सकते हो। टॉपिक वाइज 8-10 ही टॉपिक होते हैं, क्लियर हो जाएगा। बस प्रीवियस ईयर साथ में लगाना है, हर एक सब्जेक्ट के साथ प्रीवियस ईयर जरूर लगाना है। चाहे वो किताब लो आप प्रीवियस ईयर की, चाहे फिर आप जैसे भी चाहो कर लो। मैकग्रॉ हिल की भी अच्छी बुक है हिंदी की, अगर मैं बात करूं हिंदी पेडागॉजी प्लस शिक्षण शास्त्र, जो भी सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैकग्रॉ हिल अगेन आप ले सकते हो। मैकग्रॉ हिल की आप सीटेट की कोई भी किताब उठा लो, मुझे पसंद आई मतलब पर्सनली। एक तो टू द पॉइंट है, दूसरा कुछ भी नहीं उठा के दे दिया। तो अब कई लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि मतलब मैकग्रॉ हिल ने तो मतलब स्पॉन्सरशिप दी ही होगी, बट ऐसा नहीं है। मतलब हालांकि उनसे बात होती है, बट इनमें से कोई भी एक ऐसी किताब नहीं है जिसके बारे में मैंने किसी से डिस्कशन भी किया हो। ये अभी मेरा मूड बना के इस पर डिस्कशन करना है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। इंग्लिश पेडागॉजी की अगर बात करें अगेन, या तो आप पोजिशन पेपर पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, और साथ में मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो देख लीजिए। नोट्स अपने हाथ से बनाइएगा ताकि चीजें याद रहें। अगर बुक पढ़ रहे हैं और हाथ से नोट्स नहीं बनाने, तो हाइलाइटर लेके हाइलाइट कर लीजिएगा मेन मेन पॉइंट्स, ताकि मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। देखो की है एक चीज जो है रिवीजन। अगर आपने पढ़ पढ़ के सब कुछ छोड़ दिया, आपने वीडियो भी देख ली, आपने क्या किया बुक भी पढ़ ली, आपने नोट्स भी बना लिए और खोल करके किसी को नहीं देखा, अगर रिवीजन नहीं हुआ तो कुछ भी दिमाग में नहीं टिकेगा। जितने नंबर आपके आ सकते थे, हो सकता है आप पास हो जाएं गलती से, बट स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा अगर रिवीजन मल्टीपल टाइम्स नहीं होगा। तो इसलिए हम वीडियोस में भी अभी फिर से शुरू करने वाले हैं सीटेट की तैयारी, ठीक। इंग्लिश पेडागॉजी अगेन 15 नंबर का पैसेज प्रीवियस ईयर से करना है पैसेज, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से। 5 साल के पैसेज डिस्कस कर लो, 5 साल में 10 पैसेज आ गए होंगे, क्योंकि 1 साल में 2 पैसेज आते हैं, ठीक। पैसेज की आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, क्योंकि आपके 15 नंबर हिंदी में और 15 इंग्लिश में 30 नंबर कट जाते हैं। पैसेज में स्कोर नहीं कर पाते कई लोग, क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते पैसेज की। पैसेज उन्हें लगता है वहां जाके देख लेंगे, हो जाएगा अपने आप, है ना। लाइक शेयर करते रहो। आज तो हम कई दिन बाद मिले हैं, अब कल से प्रॉपर तैयारी शुरू हो जाएगी, मैं किसी काम में बिजी थी। खैर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागॉजी, ये मैकग्रॉ हिल की आप ले सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से आप स्कोर कर जाओगे। बात रही अब SST की, जो आती है पेपर 2 में। ये पेपर 1 की कहानी खत्म हो चुकी है, पेपर 1 में भी, पेपर 2 के लिए भी मैं हिंदी इंग्लिश और CDP डिस्कस कर चुकी हूँ। अब सिर्फ 2 सब्जेक्ट बचते हैं SST। SST के लिए सिर्फ NCERT पढ़ो, 6th to 8th की, 6th to 8th NCERT, SST जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी आप NCERT ही पढ़ें और साथ में प्रीवियस ईयर लगाएं। नहीं तो पियर्सन या मैकग्रॉ हिल वगैरह की भी आती होंगी, जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक आती है, बट मैं चाहूंगी कि आप NCERT पढ़ें प्लस PYQs लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले 5 साल के कर लो, जरूरी नहीं आप 10 तक जाओगे, क्योंकि पैटर्न 2013-14 के बाद चेंज हुआ है। मतलब हल्का सा लैंग्वेज, मतलब जो है क्वेश्चन की पूछने का जो लहजा है वो चेंज हुआ है, सिलेबस तो चेंज क्या ही हुआ है सीटेट का। अगर हम बात करें साइंस और मैथ्स की, तो अगेन NCERT पढ़ी है 6th to 8th क्लास की, पेपर 2 में 6th to 8th की पढ़नी होती है। और अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो 1st to 5th प्लस प्रीवियस ईयर। नहीं तो पियर्सन की कोई किताब ले सकते हो, जिसमें ये डिटेल्ड गिवन हुई बात। तो बुक्स की बात यही थी। अगर मिनिमम किताब लेके चलना है, देखो बुक्स तब लीजिएगा अगर इतना ही शौक है, तो जब आप पढ़ पाओ। अगर नहीं पढ़ पाओ और लगे कि घर में सजाने के लिए लिए, तो मत लीजिएगा, क्योंकि कोई फायदा फिर होगा नहीं, बेकार में आप वेस्टेज क्रिएट करेंगे पेपर की भी, पैसे की भी और टाइम की भी अपने, है ना। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर ले लो, आर गुप्ता ले लो या किरण ले लो, कोई भी ले लो, लिंक मैं दे दूंगी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एक एक प्रीवियस ईयर ले लो और एक CDP की बुक ले लो, इनफ है। 2 चीज़ें ले लोगे अगर, और अगर सारी ले रही हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। यही छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। और संस्कृत की अग्रवाल एग्जाम कार्ड की आती है संस्कृत के लिए बुक, कई लोग पूछ रहे हैं, वो ले सकते हैं, है ना। चलो टेक केयर, ध्यान रखो।